हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि YouTube की तरफ से मेरी पहली इनकम कितनी आई, मतलब YouTube की तरफ से मेरी पहली अर्निंग कितनी हुई। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज था और मेरे चैनल को मोनेटाइज होकर अब तकरीबन एक मंथ हो चुके हैं। तो एक मंथ में मेरी YouTube अर्निंग कितनी हुई, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि YouTube कितने व्यूज पर कितना देता है और कैसे कैसे व्यूज पर कितने पैसे देता है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो एंड तक वॉच करें ताकि आपको पता चले कि यूट्यूब की पॉलिसी कैसी है और यूट्यूब कितने व्यूज पर कितने रुपए देता है या कितने डॉलर्स देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि यूट्यूब की अर्निंग मोनेटाइज होने के बाद, गूगल एडसेंस से जुड़ने के बाद आपके चैनल पे एड्स चलेंगे, फिर उसके बाद आपको यूट्यूब अर्निंग शो करेगा। वाइट स्टूडियो जो ऐप है यूट्यूब का, उस पर आपको शो करेंगे कितनी अर्निंग हुई और गूगल एडसेंस पे भी आपको शो करेगा कि आपकी कितनी अर्निंग हुई। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरी एक मंथ की, मैं आपको एक मंथ 10 दिन की मेरी अर्निंग शो करूंगा कि कितनी हुई। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कितने व्यू पर कितना मुझे मिला है। तो दोस्तों, IT स्टूडियो देख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अर्निंग कितनी हुई। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मेरा 410 व्यू, अभी तो मेरा बहुत बुरा चल रहा है, तो मेरे व्यूज के बेस पर ही वो अर्निंग देता है। तो मेरी आप इस्टीमेटेड रिवेन्यू देख सकते हैं 28 दिन की $3.06 और मेरी लाइफ टाइम बोले तो यानी तकरीबन 40 डेज की मेरी अर्निंग है $4.33। 40 दिन की ये अर्निंग्स है मेरी। तो ये मेरी अर्निंग आई है, जो मेरी पहली अर्निंग आई थी वो इतनी $3.06 आई थी। तो मेरी इसका कितने रुपए हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 210-220 रुपए हुए, मतलब मेरी लास्ट 28 डेज की अर्निंग है $3। इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि YouTube मेरे व्यूज़ भी देख सकते हैं आप कितने कम आते हैं, 410 व्यू आते हैं, मेरी कोई ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं इसलिए, और YouTube व्यूज़ के बेस पर ही आपको पैसे देता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि कैसे कि आप देख सकते हैं यू एस्टिमेटेड रिव्यू में कितने हैं, मेरा इतना ही अभी तक आता है $4.33 मेरा 40 दिन की अर्निंग से, मतलब आप कह सकते हैं कितने रुपए हो गए, तकरीबन 300 रुपये कह सकते हैं। ये मेरे लास्ट 40 दिन की अर्निंग है, क्योंकि मैंने 10 दिन थोड़ा लेट कर दिया वीडियो बनाने में, तो ये मेरी 40 दिन की अर्निंग है इतनी। तो मेरी व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आ सकते, देख सकते हैं आप मेरी लास्ट 28 डेज के व्यूज़ कितने हैं, 5,000 व्यू है। तो 5,000 व्यू पे मुझे $3 मिल रहे हैं, तो आप जोड़ सकते हैं। तो मैंने एक पूरा कैलकुलेट करके मेरी अर्निंग के बेस पे मैंने आपको ये बताऊंगा कि मेरी अर्निंग कितनी हुई। तो दोस्तों, मैंने आपको अपना YT स्टूडियो चेक करा दिया कि कितने डॉलर्स थे। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे को YouTube कितने व्यूज पर कितना दे रहा था। तो सबसे पहले मेन चीज जो मैंने गौर किया हूं कि YouTube 25 व्यू पर मुझे 1 रुपीज दे रहा था। मैं यहाँ तो मुझे YT स्टूडियो में डॉलर्स में शो कर रहा है, बट मैं आपको रुपीज में एक्सप्लेन करूंगा कि कितने रुपीज दे रहा था। 25 व्यू पर 1 रुपीज दे रहा था, तो आप उससे जोड़ सकते हैं, मेरा डेली 250 व्यू आ रहे थे, तो 250 व्यू पे मुझे 10 रुपए आ रहे थे, तो मेरा मंथली जाकर 300 रुपए हो रहा था। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपका डेली आप चाहते हैं कि 100 रुपए अर्निंग करें, तो आपको डेली कम से कम 2,500 व्यू, 2,500 व्यू की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप डेली 100 रुपए कमा सकते हैं, कह सकते हैं $1.4 समथिंग। अगर आप चाहते हैं कि मंथली का आप 3,000 रुपए कमाएं, तो आपको इतना व्यूज लाने पड़ेंगे 2,500 रुपए, तो अगर आप डेली का 100 रुपए कमाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप मंथली का तकरीबन 200 रुपए कमाए, तो उसके लिए आपको आप जोड़ेंगे तो 2,500 से 5,000 व्यू डेली का आपको चाहिए होगा, तो जाकर आप पूरा मंथली का 6,000 रुपीज कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मंथली का 6,000 रुपीज अर्न करें, तो उसके लिए आपको डेली का 5,000 व्यूज आपके टोटल चैनल का आने चाहिए। तो मंथली का यानी कितने व्यू हो गए, 5.5 लाख व्यूज आने चाहिए। तो मैंने एक चीज जोड़ा, तो तकरीबन जो हम देखते हैं लोगों के व्यूज आते हैं 1 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, तो आप उनको कह सकते हैं कितने, अगर आप भी चाहते हैं वैसा, अगर आपके भी 1 मिलियन व्यूज आते हैं मंथली का यानी पूरे चैनल का, तो आप कितना रुपए अर्न किए मालूम, 40,000 रुपीज। मतलब अगर आपका 1 मिलियन 10 लाख व्यू मंथली का आता है यूट्यूब पर,
तो आप 40,000 रुपीज अर्न कर लेते हैं। अगर 5 लाख भी आता है तो आप जोड़ लें तो 20,000 रुपीज। और अगर आप चाहते हैं आप मंथली का 10,000 रुपीज अर्न करें तो आपका व्यूज टोटल चैनल का पूरे मंथली 2.5 लाख व्यूज आने ही चाहिए तो जाकर आप 10,000 अर्न करेंगे। मतलब डेली का जोड़ सकते हैं आप, 2.5 लाख चाहिए आपको तकरीबन 6,000 व्यू या 8,000 व्यू आपका डेली आने चाहिए तो जाकर आप 10,000 रुपीज कमाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर चाहते हैं आप हर महीने, जैसे कि आपका मेरी अर्निंग $3 तो मैं चाहूँ ये पैसे निकाल लूँ, तो ये नहीं होगा। तो YouTube की एक पॉलिसी है जो एडसेंस पे शो करती है, आप कम से कम टोटल अर्निंग $100 होगी, मतलब 7,000 रुपीज होगी तो ही आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप हर महीने पैसे निकालें तो उसके लिए आपको हर महीने 7,000 रुपीज जमा होने चाहिए, मतलब आपका गूगल एडसेंस पे $100, मतलब 7,000 रुपीज पूरा कंप्लीट होगा तो आप हर महीने निकाल सकते हैं। तो आपको उसके लिए हर महीने का 1,80,000 व्यूज, मतलब 1,80,000 व्यूज हर महीने लाना होगा, मतलब डेली का कम से कम 6,000 व्यूज आएंगे डेली, तो आप हर महीने पैसे निकाल सकते हैं। मतलब $100 होगा तो आप निकाल लेंगे, और निकालने के भी अलग प्रोसीजर्स है, पहले वो कहाँ कहाँ पैसे आते हैं, कब कब आते हैं, उसके भी अलग मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि YouTube कितने व्यूज पर कितना देता है, तो आपको मैंने बताया कि 25 व्यू पर ₹1 मुझे अभी तक मिला है। तो आप जोड़ ले, कैलकुलेट कर ले आपको कितने व्यू पर कितना मिलेगा। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि YouTube कितने व्यूज पर कितने रुपए देता है, मैंने आपको अपनी YT स्टूडियो पे दिखाया कि कितने व्यू पर कितना आया। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को तमाम यूट्यूबर्स को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस।